फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिफाली, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख ही सकते हो कि मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, तो ऑफकोर्स मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं हूँ एक्चुअली अभी चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर, और हम लोग एक्चुअली शिमला जा नहीं रहे, हम लोग सिर्फ गेड़ी मार रहे हैं बिकॉज़ वीकेंड है और बच्चों को भी थोड़ा सा ड्राइव के लिए कहीं बाहर जाना है। और अब कोविड के इतने केसेस बढ़ गए हैं कि ऑनेस्टली कहीं भी ले जाने से बहुत डर लग रहा है। तो फिर हमने यही सोचा कि चलो ड्राइव की ड्राइव हो जाएगी, बच्चों का भी घूमना हो जाएगा, प्लस सीनरिक व्यू है, माउंटेन्स हैं, अच्छा लगता है साइड आकर, तो हमने सोचा वो भी हो जाएगा। सो दैट्स द रीज़न कि आज हम यहाँ पर आए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो हाईवे पर ही है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको व्यू देती हूँ। कितना सारे लेकर आई हूँ मैकडी से अपने बेटे के लिए मील, क्योंकि वहाँ बैठकर खाना बहुत सेफ नहीं है। तो अब जाना टेक अवे, वो आराम से गाड़ी में बैठ के खा लेगा। एंड यप, मैं अभी रुकी हूँ बीच में यहाँ पर मैगी खाने के लिए। आप पीछे देख सकते हो मेरे यहाँ पे लोग बनाते हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से वेजिटेबल्स डाल के मैगी और ब्रेड ऑमलेट, चाय, कॉफ़ी। सो हम लोग रुके हैं यहाँ पर ट्राई करने के लिए कि ये यहाँ की मैगी कैसी होती है। मैगी तो हम लोग बनाते हैं ऑफकोर्स, और लेट्स सी आगे कैसी होती है। और इस वेदर में और इस जगह पर हर चीज़ ही अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। सो लेट्स सी, बाकी आप देखो मेरे पीछे ये है हाईवे शिमला हाईवे, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है यहाँ पर। तो वेदर भी इतना अच्छा है, आप सामने देख सकते हो माउंटेन्स हैं बिल्कुल मेरे पीछे। इट इज़ फन टू बी हियर समटाइम्स, ड्राइव करते करते आप आ जाओ यहाँ पे। हेडिंग टूवर्ड्स होम, हम जा रहे हैं घर। हम लोग ने क्या क्या किया आपने देखा ही। हम लोग देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम रहते हैं चंडीगढ़ में, तो ऑफकोर्स चंडीगढ़ के पास रहने का बहुत फ़ायदा है। चंडीगढ़ में रहने का बहुत फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे आसपास आपको सारे हिल स्टेशन मिल जाते हैं और काफ़ी सारे मतलब टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। तो आप जब मन करे आप जा सकते हो, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर नहीं है। तो हम ऐसे ही आज निकल गए शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर, और हम ज़्यादा दूर तो नहीं गए, बट हाँ हमने लाइक काफ़ी सीनरी व्यूज़ देखे, इंजॉय किया। आई एम श्योर आप भी देखोगे साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड माय, सो या, सो आपने भी देखा हमारे साथ साथ सारे माउंटेन्स वगैरह और अच्छा सीनरी व्यू। और अब रात हो रही है तो आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छा दिखेगा पीछे माउंटेन्स, और मतलब काफ़ी अच्छा सीनरी व्यू है। मज़ा आ गया, रिफ्रेश हो जाता है बंदा यहाँ पे आके। अभी भी वेदर इतना अच्छा है यहाँ पे, मतलब ठंड है, अगर आप बाहर निकलो तो ठंडा वेदर है। तो अगर आप गर्मियों भी इनफैक्ट जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम लोग ये सोचते हैं चलो जी थोड़ी देर वहाँ गेड़ी मार आते हैं, क्योंकि वेदर ऊपर जाकर थोड़ा ठंडा हो जाता है। सो या वी हैड फन। हम उतरे नहीं ज़्यादा, कहीं गए नहीं। हमने सोचा था कहीं किसी ढाबे वाबे पर खाना पीना कर खाएँगे, बट हम गए नहीं बिकॉज कोविड है और बच्चों को हमने सेफ़ रखना है, खुद सेफ रहना है। तो हमने बेटे के लिए, छोटा बेटा ऑफकोर्स कुछ नहीं खाता, बट बड़े बेटे के लिए हमने मैगनीज पैक करा लिया था। तो ही हैड दैट। इनफैक्ट छोटे वाले ने भी शेयर किया। ही ऑल्सो लव्ड फ्रेंच फ्राइज। दिस वाज हिज फर्स्ट फ्रेंच फ्राइज एवर एंड ही लव्ड इट। एंड हम लोगों ने फिर हम लोग रुके थे मैगी पॉइंट पर। वहाँ पे भी ऑफकोर्स मैगी हम लोग घर पे बनाते ही रहते हैं आमतौर पर, बट हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर ट्राई की जाए। तो यहाँ पर मैगी खाने का एक अलग ही स्वाद था, और अपने हाथ की चीज़ तो बंदा यूज हो जाता है। और हमने यहाँ पे मैगी पॉइंट से मैगी खाई, तो इट वॉज अमेजिंग, बट सॉरी मैं कैप्चर नहीं कर पाई। एनीवेज बिकॉज वी वर इन हरी, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स होम। अंधेरा हो गया है, इट्स अराउंड 7 o'clock। या नाउ इट्स 7 o'clock, सो अंधेरा हो चुका है। सो वी आर हाफ वे होम नाउ।